नमस्कार दोस्तों, मैं आपको भी एग्री का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है किसानों का, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमें जैसे कि हमने अभी, मैं इसको साइड को बैक कर देता हूँ। हमें एग्री फार्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं गूगल में जा करके, फ़ोन की साइड से। उस पर जाने के बाद में हम एक फॉर्म ओपन हो जाता है, जो हमें इंट्रोडक्शन दस्तावेज यानी कि हमें क्या क्या कुछ चाहिए, इसके लिए क्या क्या है। आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, कैसे में थोड़ा भेजी जाएगी, जन्म तिथि, आईडी प्रमाण, मेल खाना चाहिए। अगर आप उसमें गलती है तो आप, अगर डेट ऑफ बर्थ आपने गलत भर दी तो भी काम नहीं देगा, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन गलत हो जाएगा। अभी अभी इस पर जो है प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करते हैं। एक छोटा लाइट ब्रांड्स पर क्लिक करते हैं, डेस्कटॉप पे साइड पर जाते हैं और इस पर बॉक्स पर क्लिक कर देते हैं, ताकि बड़ा पेज हमें खुल के दिखाई दे। मैं फ़ोन पे आपको बता रहा हूँ। इस पे जाने के बाद में आप अपने फिर से दोबारा से प्रोसेस फॉर रजिस्ट्रेशन पे जाएं, ठीक है। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन किए हैं तो आप ऊपर जो बॉक्स दिया हुआ है, इसमें आप रजिस्ट्रेशन नंबर पे आप, या मोबाइल नंबर या आधार कार्ड नंबर कोई भी डालकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें अपना आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए जो भी आपको है, इसमें आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए जो भी आपको है, इसमें आप फार्मर का नाम, जो भी आप लोगों का फार्मर किसान है उसका नाम, उसके पिताजी का नाम, ठीक है, या फिर उसकी डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट से है। मैं इसमें झज्जर से ले लेता हूँ, क्योंकि मैं एरिया के नज़दीक हूँ और तहसील में भी मेरा यही पड़ता है। विलेज भी मैं कोई भी, जैसे इसमें जिस डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है, मैं कोई भी ले लेता हूँ। पिन कोड सभी को मालूम होता है कि पिन कोड मेरे एरिया का क्या लगता है, वो उसमें डाल दीजिए। इसमें ईमेल आईडी की ज़रूरत नहीं होती, अगर फिर भी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। जेंडर आप जो आधार कार्ड या वोटर आई कार्ड दिया है उसके हिसाब से, क्या फीमेल है या मेल है। एड्रेस की ज़रूरत इसमें पड़ती नहीं, फिर भी आप डालना चाहें। इसमें डेट ऑफ बर्थ, इस पर क्लिक करना, ये जो कैलेंडर बना हुआ है इस पर क्लिक करने के बाद में जनवरी 2001 पे क्लिक करना, फिर 2001 पे क्लिक करना, ये आपको एक ईयर्स में ले जाएगा। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ का ईयर है वो आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसको मंथ सेलेक्ट कर लेना जो भी आपका है, फिर उसमें डेट सेलेक्ट कर लेना जो भी है आपकी। फिर आईडी प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड, उसमें से जो भी कुछ, जो भी इच्छा है उसके अनुसार। अभी आपको एक आईडी का, जैसे आधार कार्ड आपने सिलेक्ट किया तो आधार कार्ड की फ़ोटो 2 MB तक ही उस पर होनी चाहिए। यहाँ पर जब चॉइस बॉक्स पर क्लिक करोगे तो आपका सामने बॉक्स खुल के आएगा, आप उस पर क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पर आप फार्मर का फ़ोटो, जब यहाँ पर क्लिक करोगे तो फार्मर का फ़ोटो ओपन सिलेक्ट कर लेना, मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर बैंक डिटेल जो भी है, ठीक है। यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर हो जाएगा, IFSC कोड हो जाएगा, ठीक है, अकाउंट नंबर, यहाँ पे उसके पासबुक की एक फ़ोटो, और उस पर क्लिक कर देना कंटिन्यू पे। जैसे आप कंटिन्यू पे करेंगे, इससे नेक्स्ट पेज आपका खुल के ओपन हो जाएगा। जैसे आप आवेदन, मैंने बताया था कि आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे प्रोसेस पे, आपके सामने एक ऐसी एक विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आप अपना यस क्रॉप सेलेक्ट करेंगे, रबी की फसल के लिए, स्कीम के लिए। फिर आप स्कीम देखेंगे, क्योंकि हम बाजरे का रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, हम रबी की फसल यानी कि गेहूं और सरसों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। हम तो आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर आप देखिए ऊपर सरसों लिखा हुआ है, नीचे कनक यानी कि गेहूँ लिखा हुआ है, तो गेहूँ पर करना तो गेहूँ पर, सरसों पर करना तो सरसों पर। मैं आपको सरसों पर करके दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट सिटी सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद में हम विलेज सिलेक्ट करते हैं। जैसे इसमें हमें क्या लिखना पता है, इसमें हमें वो लिखनी है जहाँ पर हमारी ज़मीन है। जैसे कि मैं रहने वाला किसी दूसरे गांव का हूँ और ज़मीन मेरे दूसरे गांव में है, तो हमें जहाँ पर हमारी ज़मीन है हमें वो एरिया सिलेक्ट करना है, ठीक। हमें वो एरिया सिलेक्ट करना है, हम कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। मेरी जैसे बटेरा है उसमें है, ठीक है। जो लैंड और विलेज चकबंदी, हम इस पर सिलेक्ट कर देते हैं, ताकि अगर हम इस पर करेंगे
हमारे सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा कि जो 16/2017 के चकबंदी अपडेट में, ठीक है, हमें केवट नंबर डालेंगे। केवट नंबर डालने के बाद में ये हमें अपने आप ही पता चला जाएगा कि हम वैसे ओनली हमें केवट नंबर का ही पता होना चाहिए। हम इस पे हम करते हैं, जब ये हमारे कुतारी नंबर अपने आप बता देता है, जब हम सेलेक्ट करते हैं तो ये मुरब्बा नंबर बता देता है और इस पे हमें खसरा नंबर भी बता देता है। हमारे खेत में जो एक कुतारी में कितना खसरा नंबर, कौन कौन से खसरा नंबर आते हैं। इसके बाद में हम ये देखिए, हम उसका पूरा बायोडाटा निकल के आ जाता है, किसके नाम पर कितनी ज़मीन है, कितनी नहीं है, सभी उनके पिताजी का सबका नाम आ जाता है। यहाँ पे हमें किला नंबर ज़रूर लिखना होता है, किला नंबर जो भी आपको याद है वो लिखो। जैसे हमारे कई किले हैं तो हम एक कोमा लगाने के बाद में हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ कुल एरिया हमारा कितना है, खेत कितने हैं, 4 है 5 है 7 है, जितने भी हम लिखेंगे। तो एरोमेटिक देखिए, मरला नंबर में 6960 मरला ऑटोमेटिक ले लेता है। वो ना जो लैंड वोनर यानी कि जो ज़मीन के मालिक है उसका नाम लिख दीजिए, जो बोने वाला है वो नहीं, यानी कि मेरी ज़मीन है कोई और बो रहा है तो मेरा नाम ज़मीन के ऊपर आएगा, बोने वाले का नीचे आएगा। अभी नहीं, कैटेगरी इसमें सिलेक्ट कीजिए, अगर बोने वाला है ज़मीन किसी और की और बोने वाला कोई और है तो खुद काश्तकार होगा, अगर खुद की ज़मीन है और खुद ही बोता है तो पहले वाला खुद का लैंड मोरक, ठीक है। तो हम खुद कास्ट कर देते हैं क्योंकि ज़मीन किसी और की और जो कोई और है। इसमें कुल उत्पादन कितना हुआ है तो वो आप देख लेना, जो भी इच्छा आपकी, जो डाल सकते हो खेत के अनुसार, आपकी ज़मीन पे कितना अनाज उत्पन्न होता है और आप उतना कितना बेचना चाहते हो यहाँ पे लिखिएगा। टोटल परसेंट ऑफ द प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन बेचना चाहता है, जो बो रखा है, जिसने बो रखी है किसी दूसरे की ज़मीन लेकर, उसका नाम लिखना है, ठीक है, उसका फादर का नाम लिखना है, फिर मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है। ये डेट अब चेंज नहीं होगी क्योंकि रजिस्ट्रेशन 20 तारीख को कर रहे हैं। आईडी प्रूफ में हमें क्या ले जाना है, कार्ड, मंडी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते क्योंकि आपने पहले कर दी है मंडी सेलेक्ट, ठीक है, और ऐड पे क्लिक कर देते हैं। तो अब ये घी सरसों का है, वो ऐड सरसों की ऐड हो जाती है, ठीक है। ये हमें दिखा रहा है कि जहाँ हमने इतना एरिया लिखा है तो हमें इसमें इतनी ज़्यादा ज़मीन नहीं है, इस एरिया में इतनी ज़्यादा ज़मीन नहीं है, तो हम इस पर एक कर देते हैं क्योंकि एक ही किला होगा तो एक ही दिखाएगा, उसी को सिलेक्ट कर पाएंगे वो। ये हो गया, ऐड हो गया, देखिए आप नीचे देखिए सरसों का ऐड हो गया है, ठीक है। और अब अगर यही आप इतना ही है तो आप सेव लैंड डिटेल सेव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दोबारा से मैं गेहूं का भी रजिस्ट्रेशन करना है तो वापस वहीं चले जाइए सबसे ऊपर। सबसे ऊपर जाने के बाद में वही ईयर्स का नाम लिखिए, सिलेक्ट ईयर क्रॉप ईयर, दोबारा से सेम वही प्रोसेस में आप भरते चले जाइए और आपका नीचे वही ऐड हुआ ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, पूरा देखिए, ओके।